Yeah.
सज्जनों, श्री राम की कथा चले आज अंतिम रात्रि में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। शनिवार का रात्रि है, इंतजार से आज अंतिम रात्रि का ऐसा संग श्री गणेश करते हुए चले सभी के हृदय में जय श्री राम हो जाए। अंतिम रात्रि, 3 दिनों का पूजन अब इस रात्रि में विराम हो जाएगा। अविशेष संक्षेप रूप से आज की वेदी की पूजा कल की तरह और श्री राम का सत्संग जहां पर मैंने कल विराम दिया, सच बिल्कुल श्री राम जी कौन है? सती मैया ने भगवान शिव जी से पूछा, परंतु हृदय का भ्रम मिटाते मिटाते दक्ष के यहां आपने आपको बलिदान दे दिया। फिर वही सती राजा हिमाचल के घर पार्वती के रूप कल की कथा में बिल्कुल अवतार ली और कथा प्रसंग वहां पर पहुंची थी कल का, जबकि भगवान शिव जी का भोलेनाथ का विवाह संस्कार होना था। चलें आज की कथा में विवाह बारात जाना है, कौन कौन बाराती में जाए, बिल्कुल आज की सत्संग वही से श्री गणेश होगा। परंतु संक्षेप रूप से इस वेदी की पूजा के साथ आज अंतिम रात्रि का सत्संग श्री गणेश हो जाए। भगवान शिव जी की बराती में जाना है आज कथाओं के मध्य से, और विशेष पहले शरीर के अंगों को पवित्र बनाओ कल की तरह, हाथ धो लें। ओम पवित्रो, हाथ धो लें। पवित्र सर्वास्तंगतो विवायजं पुंडकाशाणम सुचि, दायना हाथ जल, राइट सुहा के साथ जल पीने। ओम आमीर्तो पिधानमसी स्वाहा, दूसरी बार ओम आमीर्तो पस्तानमसी स्वाहा, एक और हरम सिर्यम मै श्री सीताम स्वाहा, हाथ धो लें। आकाशवाणी नर्मदा सिंधो कावरी पवित्रणम नमः, पैरों के नीचे थोड़ा कुश कुशाकी योगासनम नमः। सामग्री वाली थाली में पैथी की बंदोबस्त है तो राइट वाले अनामिका अंगुली में एक एक पैती धारण कर लो। कुशाकिमोल पवित्रणम नमः,
बाएं हाथ में जल, लेफ्ट, शरीर के अंगों को पवित्र बनाएं। प्रति वाली जल में ओम, पहले मुख में छुवालो, वांग में स्पेस्तु, ओम, नाकों में, नशोल में प्राण वस्तु, ओम, आंखों में, अच्छोर में चच्छरस्तु, ओम, कानों में, कन्योर में श्रोत्रमस्तु, ओम, बाहों में, बाहोर में बलमस्तु, ओम, हृदय में शांतिरस्तु, ओम, दोनों पैर की गांठ उजर में ओजवस्तु, पूरे शरीर पर अरिस्तनवा में अगनवा में सहसंतु नना। चले अगरबत्ती जला लो, ओम श्री राम चंद्राय नमः, धूपं दर्शनं समर्पयामि, श्री राम चंद्राय नमः। बिल्कुल, हाथों में पुष्प इत्यादि, पान की पल्लो, सुपारी, दक्षिणा, पैसा, दुर्बिलम, दुग्रास इत्यादि सब थोड़ा थोड़ा समेट कर हाथों में ले लें। और कल की तरह अविनाशी परमात्मा को एक साथ में स्तुति, प्रार्थना, याचना और उपासना हो जाए। पूजन वाला वस्तु सब लेकर हम सभी लोग अपने हाथों को जोड़ लें। शराम, तीन दिनों की राम की कथा, अंतिम रात्रि में हम लोग प्रवेश हो गए हैं। आपकी विशेष कृपा प्रभु शराम बनी रहे और हम सब परमेश्वर की प्रार्थना करें। महेश्वरा
गुरुर् साक्षात् परे ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय जय राम राम लक्ष्मण वर शत्रुघ्न सीते माताय नमः। श्री राम चंद्राय नमः। वासुदेवं सुतं कंसचारुर्मर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरु। लाल दे लाली लसीदर लाल अंगूर वज्र रे दानव दलन जय 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 कपीसु। प्रिंस श्यावर रामचंद्र की पुष्पांजलि वेदी पर समर्पयामि। नमो नमस्ते नमः। ठीक है, खड़े हो जाएं दोनों दंपति। जल लें, पूरे वेदी का आचमन कर दो। ओम पवित्रणं गंगा जमुना चैवं नर्मदा सिंधु कावरी जल पवित्रणं श्री रामचंद्रा नमः। प्रभु जी को टीका लगाए। ओम तिलकं शर्षवितं नमः। पुष्पमाला। ओम पुष्पमाला अर्पणं। पुष्पांजलि समर्पयामि। अगरबत्ती का दर्शन। धूपं नमः। दर्शन श्री राम चंद्राय नमः। पंचामृतं समर्पयामि। पंचामृतं नमः। पुषाद नवेदं कंदमोल फलं श्री रामचंद्र राम कथा हेतु श्री रामचंद्राय नमः। अन्न पुष्पमाला हो अर्पित करते हैं। पुष्पमाला अर्पणम् श्री राम चंद्र गणपति देवा समेत नमः शिवाय। पुष्पमाला अर्पणम् नमः। हरिओम पुष्पम् समर्पयामि। राधे कृष्णा गोविंदा। ओम नमः श्री कलश हनुमान जी बाबा कलश देवा। श्री विष्णु स्वरूपम नमः। श्री रामचंद्र वर नमः। चंदन का टीका आपस माथे पर लगा लें। मात पिता दोनों जने का टीका लगा है चंदन का। श्री खंड चंदनम दिव्यादनम शुरशवितम नमः। ओम पिता देवो भव मात्र देवी भवा। ठीक है, विशेष इस वेदी का पूजा के साथ आप दो दंपति विशेष हमारे गांव का जो पंडित जी हैं अति आदरणीय पूजने पहले दिन से साथ दे रहे हैं उनका विशेष स्वागत करें, उनका विशेष पूजा करें। और क्या कर दें पंडित जी आपके लिए स्वागत हो बहारों में ये दिन खुशियों का ही गया। स्वागत हो बहारों में ये दिन खुशियों का ही गया। जल पाँव पखार रहे हैं गंगा जमुना चैवं पद पूजनम नमः। पुष्पमाला पुष्पांजलि अर्पणम नमः।
टीका लगा दें। श्रीखंड चंदनम दिव्योदयम नमः, आरती उतार लें। और क्या क्या कहें, साधु की ये संगत हमेशा बनी रहे, राम की रामायण सदा बनी रहे। साधु की ये संगत हमेशा बनी रहे, राम के रामायण सदा बनी रहे। स्वागत हो पहाड़ों में, ये भी मैं पूछूं आज गया, ये भी मैं पूछूं आज बिल्कुल। दोनों दंपति आसन ले लें, हाथों में पुष्प। शनिवार का रात्रि है, इस हेतु कथा प्रसंग भगवान शिव जी का भोलेनाथ दुल्हा बन रहे हैं। बराती जाना है ना, कथा के मन से सच है, परंतु आज शनिवार का रात्रि है, मेरे परिवार का विशेष मांग है, क्यों ना महावीर जी के नाम एक चालसा हो जाए। सभी लोग जानते हैं, साथ में श्री गुरु चरण सरोज रजी, निज मन मुकुर सुधार, वरण रघुवर विमल जसा, जो धायक फल विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पोत पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमत निवार सुमत संगी, मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय
हृदय में बसे सुर भो श्यावर राम चंद्र की, शंकर भोलेनाथ की, पवन पुत्र हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की। हे भक्तों, शनिवार का रात हनुमान जी बाबा की चालसा के साथ सीधे कथा प्रसंग में चलते हैं, जहां पर मैंने कल की कथा विराम दिया। समत ऋषि या पार्वती से पूछन लागे वचनवा, अरे कई कारण तुम कियो तपस्या, किने कठिन प्रण। समत ऋषि भगवान शिव जी का अगवाकारी बनकर जब पहुंचे तो वह पार्वती ने हट किया भगवान शिव जी के साथ विवाह करने के लिए। सच सभी देव समूह अपने अपनी सजावट में, विष्णु भगवान अपनी गरुड़ की सजावट कर रहे हैं ताकि बराती बनकर जाना। सभी लोग अपने अपने सजावट में जुट गए, परंतु भोलेनाथ दुल्हार की सजावट में सब देवता लोग भूल गए। कल की मां और
सर्पों का भोलेनाथ, कान में कुंडल, जटा में एक से बांध दिए गए भोलेनाथ का, जिसमें से गंगा बह रहा, और कल की पंक्तियों में मैंने गाया क्या, दुल्हा बने हैं भोलेनाथ के गौरा मैया बहन, दुल्हा बने हैं भोलेनाथ के गौरा मैया बहन को, भगवान शिव जी के दुल्हा का सजावट हो रहा है, परंतु ये वाद्यंत्र जो आज बजा नहीं होता नहीं सासा बाजे, तलाश कर कर कौन बजे, नहीं होता नहीं सासा बाजे, तो भगवान शिव जी क्या बजा रहे हैं, डमरू के होए शनिकार के गौरा मैया जा, अब धीरे धीरे बारात निकलने का घड़ी करीब आ गया, कैलाशकर से राजा हिमाचल के द्वार पर भगवान शिव जी मैया पार्वती का विवाह, तो कैलाश पर्वत पर विष्णु भगवान जी गरुड़ पर चढ़कर आए, अरे वाह ये तो विकराल रूप वाला दूल्हा, पितामह ब्रह्मा जी सरस्वती लक्ष्मी इत्यादि सब पहुंचे तो क्या कहें, सब देवाना मिलके देखने आवे, दूल्हा को देखने के लिए कैलाश शिखर पर भीड़ लग रहा, सब देवाना मिलके देखने, गौरा मैया भोलेनाथ गौरा मैया ब्याहन को, दूल्हा बना है भोलेनाथ गौरा मैया, दूल्हा बना है भोलेनाथ गौरा मैया, ओम श्री राम। शिव जी राम का नाम उच्चारण करें क्योंकि उसका इष्ट देवता श्री राम है। विष्णु भगवान जी पहुंचे तो आवाज देकर हंसने लगे, अरे ये विकराल रूप वाला दुल्हा है और हम देवता लोग इसके साथ बराती जाएं तो दूसरे गांव में हमारी बहुत बेइज्जती होगा, किसने विकराल रूप वाला दूल्हा लेकर आए हो। और तब बाबा जी तुलसीदास जी सुंदर सी मानस की मद से दोहा लिखे हुए क्या, बेशनो बोले हसाए तबा, भगवान शिव जी दुल्हा सजावट हो गया तो विष्णु भगवान जी बोलते हैं हम बराती जाएं तो ये विकराल रूप वाला दुल्हा के साथ जाएंगे, बहुत बेइज्जती होगा, परंतु बगल बगल हो चलो सभी, अगर शिव जी बरात लेकर
ये सैंगा वाले रास्ता से जाएं तो हम इधर रास्ता से नहीं जाएंगे लंबा सा, हम बगल वाले बनुआ बहु वाले इस मार्ग से जाएंगे, परंतु पहुंचेंगे अवश्य राजा हिमाचल की यहां विवाह करने के लिए। सच बगल बगल हो चलो सब शिवजी के साथ जाएंगे तो हमारी बहुत बेइज्जती होगा। देवता लोग बोले ठीक है, शिवजी भोलेनाथ नंदी शिंगी और भिंगी सब कैलाश पर्वत पर शिखर पर ठहरे रहे। पितामह भोलेनाथ जी का शिव जी का विवाह, पितामह ब्रह्मा जी बोलते हैं ठीक है बरात विदा कैलाश शिखर से हुए। देवता जल्द से बगल वाली रास्ता पकड़ लिए, बगल बगल हो चलो सभी। शिवजी भोलेनाथ कैलाश शिखर से दो चार पग पीछे नीचे उतरे, पैदल जा रहा, हाथ में डमरू तुलसी बजा ले हुए, थोड़ा नीचे उतरे हैं। नंदी सोचता है अरे भोलेनाथ का विवाह पैदल जाए दूल्हा, ये अच्छी नहीं। टहल जाओ टहल जाओ टहल जाओ भोलेनाथ, भगवान शिव जी खड़े हुए। नंदी दौड़ कर आपने पीठ लंबा किया और एक बैल का रूप ले लिया। अब जैसे विकराल रूप वाला दूल्हा वैसा उसका नंदी सवारी बैल हो गया। बैल पर सवार होकर भोलेनाथ विवाह करने के लिए जा रहे हैं, कहा राजा हिमाचल किया। थोड़ी देर कैलाश शिखर से बारात नीचे उतरा तो भगवान शिव जी बोलते नंदी आप ठहर जाओ। नंदी खड़े हो गए, भोलेनाथ पीछे मुड़कर देखता है तो बाराती केवल शिंगी अंग भिंगी, अरे दो बाराती मेरा विवाह। भगवान शिव जी बोलते हैं शिंगी भिंगी जाओ कहां, शमशान घाट। और जितने भी भूत प्रेत हैं ना इन्हें जगा लो। अब विकराल रूप वाला दूल्हा और शिंगी भिंगी पहुंचे शमशान घाट, वहां से जितने भी भूत प्रेत हैं उन्हें जगा लाए तो क्या कहें, कोई अंधा कोई लंगड़ा जसाती। कोई अंधा कोई लंगड़ा बराती, कोई तो है बिना दान ए गौरा मैया क्या है, ये विकराल रूप वाला बराती सज गया। शमशान की भस्म लाकर भगवान शिवजी की शरीर पर लेपन कर दिए गए दुल्हा और विकराल रूप पर भयानक दुल्हा। आगे आगे बाल पर सवार होकर जा रहा, पीछे सब भूत प्रेत आवाज दे रहा है, हुहा शब्द हो रहा है, मार्ग से बरात जा रहा, लोग निकल कर लपक झपक कर ताकते, भूतों की टोली लेके आया रे बरतिया, ये दुल्हा जा रहा है सोए काल, जितने छोटे बच्चे थे लपक कर ढके सब डर के मारे अपने घर में प्रवेश हो गए, ये दुल्हा जा रहा है सोए काल। दुल्हा बना है भोलेनाथ के गौरा मैया क्या है, दुल्हा बना है भोलेनाथ के गौरा मैया क्या है, दुल्हा बना है भोलेनाथ के गौरा मैया क्या है। राजा हिमाचल के द्वार पर आप देवता लोग पहले पहुंच गए, मार्ग से उल्हार होते हुए शब्द होते हुए भूत प्रेत के साथ में भगवान शिव जी का बरात जा रहा है, तो क्या कह दें, अरे सजा के ले गए बजा के ले गए भोला के भरा, सजा के ले गए बजा के ले गए भोला के भरा,
जाइए सब में लक्ष्मी मैया, शिव सागर से विष्णु जाइए सब में लक्ष्मी मैया, अंदर के भंडार दइए देखो लक्ष्मी माँ, सजा के ले गए बजा के ले गए भोला के, देवता लोग धीरे से बाहर निकले। आजकल के जमाना में जब शादी होता है प्रजापति वाली, तो वहां पर लोग सवाल करने लगते हैं। पहले प्रश्न हुआ पंडित जी या द्वार पूजा, ठीक है, परंतु भगवान शिव जी का विवाह में क्या हुआ? पहले बाबा जी तुलसीदास जी मानस के माध्यम से लिख रहा, क्या ले बरात अंगना में शब आई, दियो सब के जन वास सुधा, ले बराती अंगना में शब आई, दियो सब के जन वास सुधा। तो पहले क्या हुए, परछन या द्वार पूजा? बाबा जी लिख रहे हैं, मैं ना शुभ आरती सवारी, सखिया शुभ मिलते गावे गारी, द्वार पूजन की बात नहीं है बंधुगण, सही वाला दुल्हा या भेष बगी कर का गीत नहीं, आजकल वाला विवाह की जो गीत है गजबो, परंतु उस समय सखियां शुभ मंगल का मंगल गीत पड़ा। सखियां सहरा के साथ में मैना रानी आरती की थाली लेकर निकले, भगवान शिव जी बैल पर खड़े, जैसे मैना रानी ने मुख उठाकर शिव जी को देखा, भगवान शिव जी ने अपना रूप थोड़ा भयानक कर दिया। मैना रानी सोचती, मेरी बेटी इतनी सुंदर है और ये भयानक भूत प्रेतों वाला जमाता के साथ मैं विवाह करूं? मैना रानी का छूट कर गिर गया, मैना रानी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी, सखियां सहेली संभाल कर रानीवास में लेकर गए। उसी क्षण नारद ऋषि आए, नारद लोग आपस में कानाकुसी बात करने लगे, यही नारद ने ओम नमः शिवाय गुरु मंत्र दिया जिनकी वजह से विवाह हो रहा है। नारद आज आपको पिटाई लगेगी, नारद जी सोचते हैं बड़ी उत्तम समय है, सीधे मैया जी के कक्ष में गए और मैना रानी को यह बात समझाएं, ये त्रिलोक नाथ भोलेनाथ भगवान शिव जी हैं, देवन के महादेव, अरे पार्वती सारी जगत की मां, इनका विवाह होना निश्चित। हे
निकलती है। जैसे फिर से आगे बढ़े, शिव जी बोलते हैं आपकी बार ऐसा नहीं करो, थोड़ा सुंदर रूप बना। भगवान शिव जी अपना रूप एकदम सुंदर कर लिए। मैना रानी ने इतनी सुंदर दूल्हा जमादा प्रेम उठी तो कहे तीसरी बार में जाकर भोलेनाथ का परचन हुआ। जय जय राम बोलो, जय सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम। आप भोलेनाथ का विवाह कौन कराए? सपत ऋषि द्वारा। भगवान शिव जी मैया पार्वती का विवाह, भगवान शिव जी को विवाह मंडप में बुलाया गया, मैना रानी और राजा हिमाचल पार्वती के हाथ पकड़कर और भोलेनाथ को समर्पण कर दिया। तत्पश्चात मंगल गीत हो रहा है और मंगल गीत क्या गा रहे हैं? गौरी ब्याहन आयो संग ने सब कराए। मंगल गीत हो रहे हैं, भावर फेरे पर रहे हैं और सखियां सारे गीत गा रहे हैं। क्या गौरी ब्याह सहेली बोलते हैं, बैल सवारी चढ़ आया भोले बाबा, बैल सवारी चढ़ के आए भोले बाबा, गौरी से ब्याह रचावा शंकर महादेवा, गौरी ब्याह आयो शंकर महादेवा, गौरी ब्याह आयो शंकर महादेवा, गौरी ब्याह आयो परिक्रमा हो रहा है। मंगल गीत के साथ शिव और पार्वती का विवाह संपूर्ण। राजा हिमाचल बोलते हैं कि हे भोलेनाथ, इतनी जल्दी मैं आपने बेटी का विदाई नहीं दूंगा। बहुत दुलार प्यार से मैंने पाला है, दो चार दिन बरात मेरी आंगना में टहल जाओ। एक दिन बीता, दूसरा और तीसरे दिन हो गया, कहीं पर बरात तीन दिन से ज्यादा नहीं टहल सकती। तीसरा दिवस पितामह ब्रह्मा जी पहुंचे राजा हिमाचल के पास। राजन, बरात विदा होने का घड़ी आ गया। राजा हिमाचल रो बैठे, अपनी बेटी का विदाई मैं कैसे करूं? सुनती है कि अब हमारी बेटी जा रही है तो उनके कक्ष में पहुंचे।
और जाकर बोलते बेटी पति के साथ अब जा रहे हो, केवल एक काम करना। क्या? करो सदा शंकर पद पूजा या सम नारी धर्म नहीं करो सदा शंकर पद पूजा या सम नारी धर्म पार्वती सदा शिव जी का सेवा करना, पति आपके लिए परमेश्वर, करो सदा शंकर पद पूजा और आपके लिए कुछ नहीं करना है, केवल पति सेवा। मैना रानी रो रही है, करो सदा शंकर पद पूजा मैया पार्वती के सखी आते हैं, कांधे पकड़ पकड़ कर सब रोने लगे। सब लोग मैया पार्वती का विदाई दे रहे हैं। राजा हिमाचल स्तंभ को पकड़ कर रो रहा है और पार्वती का डोली राजा हिमाचल के द्वार से विदा ले रहा है। तो क्या कह दे, चल री सजनी अब का सोचे, कजराना बही जाई रोते रोते, सजनी तू क्या सोच, सजराना बढ़ी जाए रोते रोते। सभी लोग लो रहे हैं, सखियां सहेली मैया पार्वती की गले मिल रहे हैं। राजा हिमाचल एक स्तंभ के सहारे लेकर सुसुक सुसुक रो रहे, बाबुल पछतावा हाथ को मल के, बाबुल पछतावा हाथ को मल के, काहे दिया भर दे दिल के टुकड़े को, सोच रहा दूर खड़ा वहीं पर राजा हिमाचल पार्वती की कांधे पकड़ कर रो रहे हैं, चल रही सजनी अब का सोच, कजराना बही जाए रोते रोते, कजराना बही जाए रोते रोते। सच दुख हो रहा, कन्या को अपने द्वार से विदा देते, राजा हिमाचल रोते रोते पार्वती का विदाई दी। नंदी बैल सवारी फिर से हो गया, भगवान शिव जी मैया पार्वती बैल पर सवार, जैसे आगे बढ़े जनवा से भूत प्रेत निकले, हुहा कर कर भोलेनाथ को मैया पार्वती को घेर लिए। कोई बोलता मैं दर्शन करूं, कोई बोलता मैं, सब लोग दुल्हे राजा दुल्हन का
दर्शन की अभिलाष। राजा हिमाचल के द्वार से बरात कैलाश शिखर की ओर चल पड़ा। कैलाश शिखर को ले जाकर भूत प्रेत भगवान शिवजी मैया पार्वती को छोड़े और भूत प्रेत वापस शमशान घाट। जितने देवता लोग आपने अपने धाम और मैया पार्वती अब भोलेनाथ का पूजन करती है। और जब मैया पार्वती ने जाना कि भगवान शिव जी उन पर खुश में हो गए हैं तो धीरे से बोला, बताओ स्वामी वे राम कौन है? एक पूरा जन्म चला गया परंतु हृदय का संदेह ना मिटा। तो भगवान शिव जी बोलते हैं, ठीक है, आप जानना चाहते हो कि राम दो अक्षर वाले कौन हैं, तो ध्यान लगाकर सुने। एक दो जन्मों की कथा मैं कहूं। जन्म एक दुई कहो भवानी, सावधान होके सुन लो मति मानी। एक दो कारण मैं कह रहा हूं कि मानव शरीर में भगवान को क्यों आना पड़ा। ये श्याराम जी मानव के शरीर में ये कौन है तो सुन ले। नारद शाप दीना एक बाराम, ताहे विष्णु देखो राम अवतारा। सारी जगत की मैया पार्वती चौंक गई। अरे नारद ऋषि नारायण 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 शब्द कहने वाले क्या ना? नारद या विष्णु भगवान ने कह दिया, जो कि नारद ने विष्णु भगवान को श्राप दिया। बता दो स्वामी क्या बात है? ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं जन्म एक दुई कहो भवानी, सावधान होए सुनो मति लगाकर पार्वती बैठ जा। अब भगवान शिव जी बोलते हैं, नारद ऋषि एक बार हिमालय की गुफा में ओम कहकर तपस्या कर रहा। देवताओं के राजा देखा नारद तीन घड़ी से ज्यादा कहीं टहल नहीं सकते हो, तपस्या कर रहा। क्या बात? कहीं तपस्या करने के बाद वह मेरा इंद्र आसन ना ले। कांडे और रति जी को भेजे तुरंत नारद जी के पास कि जाकर उनकी तपस्या में बाधा डालो। कांडे और रति पहुंचे, आपने भरपूर कोशिश किया नारद जी की तपस्या में बाधा डालने के लिए परंतु असंभव। और तब नारद ऋषि आंख खोलते हैं, कांडे और रति उन पर बाण चला रहे हैं माया का, परंतु कुछ नहीं व्यापी, कुछ नहीं लगता। तब नारद जी अभिमान घमंड होकर वहां से खड़े हुए कि आज मैंने कामदेव रति को जीता तो यह बात है कि मैंने देवताओं के राजा इंद्र को जीत लिया। कैलाश शिखर पहुंचे, नारायण नारायण भोलेनाथ आप खोलते। नारद बड़े प्रसन्न में, बहुत खुश में, क्या बात, आज मैंने कामदेव रति जी को जीत लिया। सच है, भगवान
शिव जी बोलते हैं ये बात आप कभी जाकर विष्णु भगवान से मत कहना, अनंत तो हो जाएगा। नारद मानने वाले कहां भक्तों, शिव सागर में पहुंचे और तुरंत ही भगवान शिव जी ने आपने दो गणों को उनके साथ भेज दिया। नारायण नारायण, भगवान बोलते हैं बहुत खुश नारद, जी हाँ मैंने कामदेव और रति को जीत लिया, बस बात भी कर गया। सच है नारद, आज मैंने देवताओं के राजा इंद्र को जीत लिया, सच है नारद। और नारद प्रभु की चरणों में हाथ जोड़कर नारायण गाकर जैसे निकले, हरि भगवान विष्णु ने आपने माया को बुलाया और शिव सागर में गांव बसा दिया। शिल निधि नाम का राजा और वहां पर विष मोहिनी का स्वयं नारद उसमें पहुंच गए। शिल निधि नाम का राजा नारद को देखकर उनका स्वागत की और आपने विष मोहिनी कन्या को बुलाया, उनके हस्त की रेखा बढ़ाए, इस सभा में जो सबसे सुंदर रहे नारद उन्हीं के साथ इस कन्या का विवाह होगा। नारद ऋषि सोचता है मैं भी विवाह कर लूं, परंतु मुझे सुंदर रूप कैसे मिले। मैं रोज नारायण नारायण शब्द कहता हूं, चलकर वही नारायण भगवान से उनका हरि का रूप ले लूं। हरिओम वानर को भी कहते हैं, हरिओम भगवान को भी। नारद ऋषि अब शिव नदी नाम के राजा से निकले, चलकर विष्णु भगवान से उनका सुंदर रूप मैं मांग लू, मेरा विवाह हो जाए। तो क्या कहते ऋषि नारद का मैंने कहानी लिखा, नारद का मैंने भी कहानी लिखा, ब्रह्मा के पुत्र नारद अमर है सदा, ब्रह्मा के पुत्र नारद अमर है सदा। भगवान के नाम जपना सदा उनका काम, भगवान के नाम जपना। अरे तीनों लोकों में विचरण सदा कल्याण, यहाँ की बात वहां वहां की बात यहाँ, तीन लोक में घूमना। शक्ति शक्ति है उसमें इतना बड़ा, भक्ति है उसमें भी इतना बड़ा, ब्रह्मा के पुत्र नारद अमर है सदा, ब्रह्मा के पुत्र नारद अमर है सदा। नारद फिर पहुंचे विष्णु भगवान के पास, क्या बात, अब की बार बड़े उदास होकर आए हो नारद। भगवान विष्णु बोलते हैं क्या बात बताओ प्रभु, मुझे आप हरि का रूप दे दो। भगवान ने देव न किया तथा नारद ऐसा होगा। अब नारद अपना शरीर देखता है तो विष्णु भगवान का रूप, और क्या कहें, एक संकट जब नारद पर आ ही गया, विश्व मोहिनी का देखो स्वयंवर रचा, संकट जब नारद पर आ ही गया, विश्व मोहिनी का देखो स्वयंवर रचा, जाना जा स्वयंवर में नारद वहां, जाना जा स्वयंवर में नारद वहां, ब्रह्मा के पुत्र नारद अमर है सदा, ब्रह्मा के पुत्र नारद अमर है सदा। Thank you.
लक्ष्मणी जय माला लेकर निकलेगी। नारद सोचते पहले वाले स्थान पर हम बैठ जाएं, सुंदर रूप देखकर मेरा विवाह हो जाए। पहली पंक्तियों में बैठ गए। बंदी जनों ने याचना सुनाया, विष्मोणी आ रहे हैं जय माला लेकर। नारद ऋषि वेग से उमंग होकर बैठ गए। तो चेहरा लेकर स्वयंवर में नारद जरा अपना रूप लेकर पहुंचे। सब लोग देखते को नारद बैठा। चेहरा लेकर स्वयंवर में नारद गया। नारद ऋषि बड़ी वेग से बैठा। वेशभूषा निकली जय माला लेकर। पहले स्थान पर देखते हैं अपना मुख उठाकर, जैसे विष्मोणी ने देखा एक बूढ़ा बानर बैठा है। विष्मोणी को क्रोध आ गया, मेरा उपवास कर रहा है बानर, सुंदर लोगों को आना है, ये बूढ़ा बानर बैठा। जितने लोग वहां पर बैठे थे उस पंक्तियों में सभी को छोड़कर नारद आगे जाने लगे। विष्मोणी आगे जाने लगी। नारद इशारा कर रहा है किसी भी रूप से लौट आना। शिव जी के जो गण थे पीछे खड़े थे, आते समय नारद थोड़ा दर्पण में चेहरा देख लेते। चेहरा लेकर स्वयंवर में नारद गया और छल से विष्णु ने कन्या को अपना लिया। जाप नारद ने विष्णु को दे दिया, यही बाणर तुम्हारा करेगा भला। श्यावर रामचंद्र की भगवान शिव जी के दो गण आपस में बात कर रहे हैं। नारद आते समय थोड़ा दर्पण में चेहरा देख लेते। नारद ये बात सुनकर क्रोध में होकर दोनों शिव गणों को श्राप दिया, 3 जन्म तक असुर रहोगे। हरणायश हरणकश्यप पहला वाला, दूसरा वाला कुंभकर्ण और रावण, तीसरा द्वापर युग में यज्ञ वकर और शिशुपाल। नारद वेग से उठकर क्रोध में खड़े हुए। आगे दौड़े तो तालाब में थोड़ा सा जल था, वहां पर झांकते हैं तो बूढ़ा बानर दिखलाई पड़ा और क्रोध से हो गए। आज मैं विष्णु भगवान को श्राप दे दूं या मारूंगा। इधर विष्णु भगवान माया बड़ी प्रबल, सामने से विष्मोणी लेकर निकले। देखो आप छलिए, मेरा विवाह की जगह विष्मोणी को आप लेकर जा रहे हो, इसलिए मैं आपको श्राप दे रहा हूं। नारद ऋषि ने भगवान को श्राप दे दिया, मुझे आप स्त्री वियोग में तड़पाए हो, इसलिए आप जंगल जंगल में मानव शरीर धरकर भटकना पड़ेगा। सच ये वानर का शरीर तो दिए हो ना, यही वानर की जड़ से आप अपनी स्त्री वापस कर सकोगे। सच इस कारण है भगवान शिव जी बोलते हैं, हे पार्वती, भगवान ने मानव शरीर धरकर और ये रास लीला रचा है। हे पार्वती, आपके हृदय में जो भ्रम हुआ वे कोई और नहीं सच्चिदानंद रूपाय पार ब्रह्म परमात्मा। प्रेम स्वरूप श्यावर राम चंद्र की। बिल्कुल, ये 3 दिनों की राम की कथा अब पंडित जी यहीं पर विराम हुए। पता चल गया कि प्रभु जी ने मानव शरीर में क्यों उतार दिया, ये राम कौन। सच चले आज अपार विशाल यज्ञ होगा, तो अब परिवार के रिश्तेदार यज्ञ कुंड बंदोबस्त कर लें, यज्ञ के साथ कथा बिल्कुल विराम होगा। इसमें तो यज्ञ कुंड लकड़िया सामग्री, कटोरा में घी, 3 समिधान, 1 कटोरा में जल घी टपकाने के लिए, ये सब बंदोबस्त कर लें। तब तक के लिए क्या कहते, ओम नाम से यज्ञ होगा, ठीक है।
ओम मेरी वंदना स्वीकार हो, ओम मेरी वंदना स्वीकार हो। तीन दिनों की राम की कथा यज्ञों के साथ भक्तों विराम हो रहा है। जीवन में बहुत कम ऐसा अवसर मिले जबकि प्रभु की नाम तीन दिनों का या सात दिनों की भागवत होए और यज्ञ। देखिए कई वर्ष पहले अति आदरणीय इनके जो पिताजी हैं इनसे वार्तालाप कर रहे थे, करीबन 15 वर्ष पीछे की बात है, इनके द्वार पर मैंने 7 दिनों की राम की कथा कहा। उनसे पहले वाले वर्ष में मैंने 3 दिनों का कहा, तो 3 दिनों की दूसरी रात्रि जब विराम हुआ ये दोनों दंपति मेरे साथ आ गए, पंडित जी 2 दिन का कथा और कह दो, परंतु असंभव थे तो इसने मुझे वादा दिया ठीक है अगले वर्ष 7 दिनों का होगा, वह भी पूर्ण आज उनकी बेटे के द्वार पर। सच संस्कार सच है कपूर बना लें यज के लिए। ओम अग्निर ज्योतिर ज्योतिर अग्निर नमः पृथ्वी धरुणा भूमन्ना अग्निमन्ना दमन्ना दायं ददे स्वाहा अग्निर जात वेदोसे इदन्नमः। ठीक है चले जल से आचमन केशवाय नमः नागवाय नमः नमो नारायण अग्नि आचमनम अग्निर देवाय नमः। शरोर टीका लगा दे श्रृंग वेदम शान वेदम यजुरथर वेदम नमः। मानव शरीर पाकर यज करना जरूर है, हाथों में पुष्प फूल ले लें ओम 3 बार घुमाकर वेदी पर चढ़ा दो पुष्पांजलि अग्निर्देवाय नमः। वेदी पर रहे हाथ जोड़ अग्निदेव को नमस्कार करो नमो नमस्ते नमः। थोड़ा लकड़ियां डाल दें ताकि अग्नि प्रज्वलित रहे सही। धू वाला कटोरा सामने आगे रख लो, ठीक है। घी वाला कटोरा सामने हो गया तो एक लकड़ी ले लो, दोनों बगल एज घी में डुबा लें, जैसे मैं सुहा बोलूंगा तगनी देवता के मुख में अर्पित कर। ओम विश्वानि देव
सवितर दुरितानि परासुवा यज भद्रं कन्यासुवा संधाग्रिचात वेदोसे स्वाहा दमग्निर जात वेदोसे दन्नम। दूसरा वाले ओम अदंत दमे आत्मा जात वेदस्ते निदस्व वदस्व छेद वगया चस्मान प्रजया पशु परमावर्तसे नाना देन समय दय स्वाहा दमग्निर जात वेदोसे इदं नमः। तीसरा यंति ओम समिधा अग्नि जहोतना समिधा जात वेदोसे स्वाहा इदं अग्निर जात वेदोसे इदं नमः। हाथ जोड़कर नमस्कार नमो नमस्ते नमः। घी वाली कटोरा सामने रख लो, एक चम्मच डाल लें, एक कटोरा में जल स्व के साथ घी को अग्नि देवता के मुख में और एक बूंद बचाकर जल में टपका। ठीक है, कटोरा में घी। ओम इंद्राय स्वाहा जल में इदम इंद्राय दन्न। ओम प्रजापति स्वाहादम प्रजापति दन्नम। ओम अग्नाय स्वाहादम अग्नाय दन्नम। ओम शोमाय स्वाहादम शोमाय दन्नम। ओम भुवो स्वाहादम सूर्याय दन्नम। ओम भुवा स्वाहादम अग्नाय दन्नम। एक और ओम स्वाहादम वायु इदं नमः। अग्नि देवता को नमस्कार नमो नमस्ते नमः। हवि सामग्री सामने रख लो, शायद एक दो कटोरा हो तो आपस में सामग्री बंटवारा कर लें ताकि यज करने में सहूलियत मिल जाए। बिल्कुल महायज है, शायद परिवार के रिश्तेदार गांववासी इष्ट मित्रों कोई भी यज करना चाहे आप बारी बारी से आकर परिवार के साथ योगदान दे सकते, क्योंकि जीवन में बहुत कम अवसर मिले ऐसा वहां यज का। स्वा के साथ हाथों से डाले ओम गजानन भूत गणाधिपते नमस् स्वाहा। ओम एक दंत लंबोदरा नमस् स्वाहा। ओम गौरी पुत्रम श्री गणपति देवाय नमस् स्वाहा। राधे राधे कृष्णा गोविंदाय नमस् स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमस् स्वाहा। श्री कृष्णं गोविंदाय नमस् स्वाहा। श्री राम चंद्राय नमस् स्वाहा। श्री राम चंद्राय नमस् स्वाहा। श्री राम चंद्रभ्यो नमस् स्वाहा। ओम नमः शिवाय नमस् स्वाहा। नीलकंठाय नमस् स्वाहा। रामेश्वराय नमस् स्वाहा। ओम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीते माता नमस् स्वाहा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीते माताय नमस् स्वाहा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीते माता नमस् स्वाहा। बजरंग बली पवन पुत्रा नमस् स्वाहा। लाल लंगोठम भव नमस् स्वाहा। अंजनी सुताये भव नमस् स्वाहा। ओम अग्निर ज्योतिर ज्योतिर अग्निर भव नमस् स्वाहा। ओम सूर्य वर्ष ज्योति वर्षाय नमस् स्वाहा। ओम अग्नि वर्ष ज्योति वर्षाय नमस् स्वाहा। ओम श्री नवग्रह देवताय नमस् स्वाहा। ओम जिंती मंगला काली भव नमस् स्वाहा।
नव दुर्गा देवी माता नमस् स्वाहा। ओम कुल देवी देवताय नमस् स्वाहा। ओम ग्राम देवी देवताय नमस् स्वाहा। स्थान देवताय नमस् स्वाहा। इंद्र देवताय नमस् स्वाहा। वरुण देवताय नमस् स्वाहा। पंचपाल देवता वयो नमस् स्वाहा। ओम नमो नारायणाय नमस् स्वाहा। ओम नमो नारायणाय नमस् स्वाहा। ओम नमो नारायणाय नमस् स्वाहा। मूल गायत्री ओम भौर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धिया यो न प्रचोदयात् स्वाहा। दं गायत्री नमः ॐ भार्भवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धिया यो न प्रचोदयात् स्वाहा। दं गायत्री दं नमः ॐ भार्भवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहादं गायत्री दन्नमा। धन्यवाद। सब सामग्री एक कटोरा में हो जाए, सब सामग्री एक कटोरा में डाल लें, ठीक है, और सब इकट्ठा कर लें। सभी भक्तों से प्रार्थना है, अंतिम हबीब होने जा रहा है तो आदर सम्मान दिलाने के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। शायद कोई खड़े होने में असमर्थ हैं तो बैठे ही रहें। कल विशेष मुख्य यज्ञ करने वाले गौ से मेरी वाणी को सुनते जाएं, ठीक है। सामग्री वाला थाली चले नीचे रख दो, सामग्री वाला थाली नीचे रख दें, ठीक है। और विशेष मुख पूजन करने वाले दोनों हाथों को हथेली को ऐसे कर लें, ठीक है। हाथों के ऊपर मेवा मिष्ठान खीर और पूरी रख दो। मुख यज्ञ करने वाले आपके हाथों पर खीर और पूरी हो जाए, ठीक है। दोनों हाथ ऐसे बड़ा रूप से, और उनके बाद जितने बचा हुआ सामग्री है हाथ पर डाल दें। बचा हुआ सामग्री हाथ पर डालिए, अंतिम हवी हो रहा है, क्यों ना, ठीक है। इनके पश्चात नारियल का श्रीफल हाथों पर, विशेष अंतिम हवी की अनुष्ठान तैयारी कर रहे हैं, क्यों ना। विशेष हाथों के ऊपर पान की पल्लो और एक पुष्प फूल चाहिए, ये अंतिम हवी। साथ में हथेली में कहीं पर एक सुपारी रख लें। विशेष प्रार्थना करो सब परिवार के लोग हाथ लगा लें। तीन दिनों के राम की कथा हमारे द्वार पर, पहचान हो गया श्रीराम जी कौन है ना। और प्रार्थना करो कि शायद कोई देवताओं का इस यज्ञ में भाग ना मिला हो, ठीक है। सभी देवताओं का चले बराबर का हक, पुण्य द्वारा जीवन में आशीर्वाद मिले। हाथों से हवी डालते समय कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम, परंतु अंतिम हवी के साथ सभी का बराबर का हक। तीन बार घुमाओ, घुमाने के बाद पान की पल्ल और पुष्प निकाल लें, हवी मध्य यजकुंड में अर्पित। ओम पूर्णमिदं पूर्णतिथे पूर्णमग्निर्देवाय नमः। पान की पल्ल और पुष्प निकाल लें, नमः मध्य में स्वाहा। जात वेदो से इदं नमः, धन्यवाद, हाथ जोड़ ले, नमो नमस्ते नमः। कटोरा में जो घी बचा है ना, एक धार से मध्य में, वासो पवित्रणम शतधारणम शतधारणम वासो पवित्रावणम स्वाहा। आज केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। नमो नारायणाय अग्नियाश्वनम नमः। ठीक है, कटोरा में जो घी टपकाया गया उसे निकाल लो, दोनों हाथों में लेपन करो, अग्नि में तपाओ, सुगंधित लेकर तीन बार शरीर में लेपन। ओम अग्नि
तपोबलम सुगंधितम सुगंधित लेकर शरीर में लेपन रोग विनाशनम नमः शक्ति बलम तेज बलम अग्निर्देवाय नमः। बिल्कुल अंतिम रात्रि का आरती होगा, थोड़ा देर आरती हो जाए तो यज्ञ कुंड बंदोबस्त कर सकते हैं। अब शेष आज 3 दिनों की राम की कथा की अब आरती हो जाए। संतने के सभी सदा सहारा जय भीना।
अंतिम आरती भी हो गया।
ओम कपूर गौरम बुचकिंस बाबा स्पोर्ट ठीक है। चले विशेष सभी लोग आरती का शुभ मंगल दर्शन करो। और जब तक आप सभी आरती का दर्शन कर रहे हो तब तक के लिए श्री राम जिनकी तीन दिनों का यहां पर सत्संग चला श्री राम जी बिल्कुल कौन है दो लोगों का परिचय मैंने करा दिया। भगवान शिव जी सारी जगत मैया सती जी को सुनाया राम कौन है प्रभु श्री राम जी यज्ञवल का भरद्वाज जी का और काल भूषण महाराज गरुड़ जी को यही कथा सुनाए कि श्री राम जी कौन है। चले जब तक आप सभी आरती का दर्शन कर रहे हो ना तब तक उस रघुनंदन जी की चरणार बिंदु में वंदना अर्थात स्तुति हो जाए। बंदहु चरण कमल रघुनंदने बंदहु चरण कमल अंतिम घड़ी पर आ गया। प्रभु आपकी चरणों से नहीं आपकी कथाओं से अलविदा 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 लेने की घड़ी आ गया। हे परमेश्वर पाहि माम तीन दिनों की बहुत पूजा चला भगवान श्री राम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनादनम आवाहनम ना जानते तेरी पूजनम न जानते तेरी विसर्जनम। हे प्रभु तीन दिनों की सेवा में पूजन में अगर कुछ कमियां रह गया तो हम मंत्रहीन है प्रभु। कली कली से पुष्प फूल तोड़कर आपको प्रभु हम माला चढ़ा
प्रसाद अर्पित किए, परंतु किसी भी प्रकार की कमियां त्रुटियां हुआ हो प्रभु मंत्रहीन हो परमेश्वर, हमारे पास इतनी ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, विद्या शक्ति नहीं प्रभु। अब हे परमेश्वर बिल्कुल आपकी कथाओं से कथाओं से कथाओं से हम अलविदा ले रहे हैं। विसर्जन होती है रामा सुना बेरहनु माने प्रभु
पुत्र हनुमान की है, अयोध्या कृष्ण की है, सनातन विश्व धर्म की है, रामायण महारानी की है, गोस्वामी तुलसीदास की है, बोलो भक्त सब सुनता। प्रेम सो श्याम रामचंद्र की ही, सद्गुरुदेव भगवान की ही। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत 3 दिनों का पूजा यहीं पर विराम हो गया। शेष प्रसाद मंत्र शांति पाठ बचा हुआ है, परंतु उनसे पहले क्या अगर हम 7 दिनों की भागवत कर लें, सप्ताह पारायण कर लें, 3 दिनों की राम की कथा, और आपने मात पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया उनकी पूजा ना करें, तो यह कथा करना व्यर्थ बेकार। विशेष ये दोनों दंपति थे, मात पिता विशेष यहां पर मौजूद हैं। उन दोनों से प्रार्थना कि आप करीब होकर दोनों आसन ले लें, ठीक है? 2 आसन की बंदोबस्त। हे बंधुगण, जिस पिताजी ने बचपन पे हमें कांधे पकड़ कर चुना है, तो जीते जी कर रहे हैं, मरने पर नहीं। मरने पर लंबी कतार लग जाता है, लोग आरती उतारते हैं, चंदन का टीका, जल तुलसी का पत्र डालते हैं, ये सब बेकार की। सेवा करना है तो जीते जी कर लें, मरने पर। भोजन खिलाना है मात पिता को, जीवित खिला दें, मरने पर कोई काम नहीं। चले विशेष दोनों दंपति, आपने पिताजी आपने भैया जी का चरण पकाने जैसे केवटिया महाराज ने धोया, 7 पीढ़ियों को तार दिया, ठीक है? जल्द पखारेंगे। ओम पद पूजनम मात्र देवी भवा पितृ देवो भवा। मात पिता अगर आशीर्वाद दे दें, भगवान का कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए। मात पिता अपने हृदय से आशीर्वाद दे दें, जीवन धन हो जाए। चरण धोने के बाद उनकी चरण को पवित्र बनाए। ओम पद पूजनम नमः। ठीक है, मात पिताजी को टीका लगा। सरे तिलकम नमः। जिस पिताजी ने मैं पाल कर बड़ा किया, मैया जी ने 9 मास गर्भ में रखा, वा पूछू तिलकम विलेपनम नमः। पुष्पमाला पुष्पांजलि समर्पयामि पितृदेवो भवा। मातृ देवी भवा। ठीक है, आरती वाला थाली सजाओ। जब तक हम गीत गाते रहे, आप लोग आरती उतारते रहे, और याद नहीं कि मातृ दिवस या पितृ दिवस आ जाए तब हम पिता और माँ जी को ख्याल करें, ऐसा नहीं। जीवन भर उन्हें हमें ऋण चुकाना है। और क्या कहते हैं, ले लो ले लो दुआएं माँ बाप की, ये घड़ी पर हमारे मात पिता याद आते होंगे। गोद में माते आप देखा बाप की।
कांधे चढ़ी, जो आशीष दिल से देवे भगवान भी उन्हें टाले ना पावे। कहा गया है चरण छुकर आशीर्वाद ले लें, और संसार में कहा गया कि कौन से है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती, हर माँ नहीं मिलती, हर माँ नहीं मिलती, सच माँ का प्यार अनमोल। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट इन परिवारों। बंदगण, प्रसाद मंत्रों के साथ बिल्कुल समय बहुत तेजी से भागता जा रहा है, और आज की इस पूजा विराम देंगे और उनके बाद 5 मिनट का हम समय देंगे, क्यों इस पर गौर से नमन करेंगे, उनके बाद हमारे पंडित जी हो जाएंगे दूसरे वेदी का तैयारी या वर्षगांठ समारोह के पर पूर्ण देने के। हाथों में पुष्प फूल लेकर प्रभु जी से प्रार्थना करो, क्या इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम भजले, अब प्राण तन से निकले गोविंद नाम भजले। सत्गम्यं कंसुमां ज्योतिर्गम्यं मृत्युर्मां अमृतं गम्यं, ओम भव शांति अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधया शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्व ओम शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरिधि, ओम शांति 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 ही नमः। धन्यवाद देवी और सज्जनों, 3 दिनों के बाद राम की कथा यहीं पर विराम हो गया, समय अनुसार केवल मैंने आप लोगों का 6 मिनट ज्यादा ले लिया 9 बजे से, अब विशेष क्षमा याचना है। यहां से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि पंचामृत का बंटवारा हो जाए, क्यों, क्योंकि अभी
यहाँ पर वर्षगांठ समारोह मनाया जाएगा। वहां पर क्या होगा, मेरा मिष्ठान इत्यादि काटी जाएगी, एक दूसरे को खिलाया जाएगा, तो प्रसाद का उल्लंघन हो जाएगा। इस हेतु पहले पंचामृत का बंटवारा हो जाए, 5 मिनटों का हम समय देंगे, क्यों ना, उनके बाद वर्षगांठ वाली जो समारोह है किसका है ये पंडित जी लेकर हो जाएंगे विशेष आज के इस वर्षगांठ समारोह पर। गीत गाने के लिए मैं गा दूंगा सही, परंतु जो मुख्य वर्षगांठ की समारोह है इसको परिपूर्ण देंगे, शायद कोई होगा। तब तक के लिए 5 मिनटों का हम समय दे रहे हैं आसन को निर्धारित करने के लिए, पंचामृत का बंटवारा करने के लिए। याद है 3 दिनों की राम की कथा यहीं पर विराम हो गया, शायद कथा प्रचार में कहीं पर मेरा जूठा फसल गई हो तब न जानकर क्षमा दे, क्यों, क्योंकि भोलेनाथ मां सरस्वती प्रभु श्री राम हनुमान जी बाबा की कृपा से कथा प्रचार करने की मैं सीखने की कोशिश में हूं, कहीं पर शायद जीभा मेरा फिसल गई हो तो अपना जानकर क्षमा दे। अंत में सभी को जय श्री राम, धन्यवाद। ठीक है, 5 मिनटों का हम इंतजार करेंगे, तब तक पंचामृत का बंटवारा हो जाए, क्यों ना, तब तक के लिए बेटे अविकाश, बेटी एमलिन पिल्ले तथा उनके समस्त विशाल परिवार, आए हुए भक्तगण, देवियों तथा सचिव, सर्वप्रथम भगवान श्री राघव की चरणारविंद में मस्तिष्क अर्पण करते हैं। परमात्मा की आशीन कृपा से आज हम सभी को यह सुलभ अवसर प्राप्त हुआ कि आज हम सब बड़े प्रेम से और पंडित जी की मुखारविंद से और परिवार के माध्यम से और ये 3 दिवस रामचरितमानस महाकाव्य जो है इसका कथा जो इसको हम लोगों ने श्रवण किया, ये हमारे और आप सभी का कोई पूर्वज का पुण्य था जो हम लोगों को ऐसे अवसर प्राप्त हुई कि आज हम परिवार के साथ में होकर के और एक विशाल यज्ञ में भागी बने। देवियों तथा सज्जनों, हालांकि आपको पहले से मालूम नहीं था, बस आज ही पता लगा कि ये 3 दिवसीय यज्ञ जो है ये बेटी एवलिन जो है जो कि बेटी बेटे अविकाश जी की अर्धांगिनी है और मारे मुथु परिवार की ज्येष्ठ वधू है, उनका आज वर्षगांठ है। हालांकि बिटिया रानी ने सोचा कि विवाह करके इस परिवार में आए और बड़े भूमि से बड़े भाव से अपने भूमिका को निर्वाह कर रही है, हालांकि इन परिवार के साथ में एक रिश्ता हमारा है और एक अटूट संबंध भी है और बेटी एमलिन जो है सदैव अपने रुचि जो है धार्मिक कार्य में लगाती है और ऐसे में बिटिया रानी जबकि अपना वर्षगांठ जो है मनाने को सोची तो सोचे कि जिन परमात्मन के बदौलत हमको जीवन में सभी कुछ का प्राप्ति हुआ है क्यों नहीं उसी परमात्मा को हम मध्य रखते हुए और अपने वर्षगांठ को मनाएं। हालांकि बेटे अविकाश पिल्ले जो है उनका भी जब 40वां वर्षगांठ आया तो उन्होंने बड़ा धूमधाम से मनाया था ना? और बेटी ने सोचा चलो बेटे अविकाश ने तो बड़े धूमधाम से मनाया, चलो हम हरि का नाम लेकर के और जन्म दिवस को मनाएंगे। तो आज अपने परिवार सहित तो होकर के और बिटिया रानी जो है और अपने वर्षगांठ को मना रही और कथा भी क्या रोमांचक हुआ। यदि किसी ने इस कथा में गौता लगाया होगा, अच्छी से ध्यान दिया होगा, तो प्रथम दिवस से पंडित जी ने बतलाया कि चले हम जाने कि राम कौन है। हालांकि हम जब युवा अवस्था में होते हैं तो हम लोग अपने जाड़ा अवस्था को जब निर्वाह करते अपने युवा अवस्था को निर्वाह करते हैं तो हम लोग लड़कपन में रहते, उस समय क्या होता है कि हम लोग अपने मौज मस्ती में होते और जैसे जैसे उम्र ढलने लगती है तैसे तैसे हम प्रभु में लीन होने लगते। हालांकि लोग अक्सर कहते हैं कि हम जब बुढ़ापा आएंगे तब भगवान का भजन करेंगे, बुढ़ापा किसने देखा है ना? किसने बुढ़ापा देखा है, भजन करना है तो जवानी में कर लो, भक्ति करना है तो जवानी में भक्ति कर लो, क्योंकि कल हो या ना हो किसने जाना है।
और आज उसी धैर्य को लेकर के बेटी एमलिन चल रही है कि हम प्रभु के आश्रय से चलते हैं, उन्हीं परमात्मा का दिया हुआ हमारे जीवन में सब कुछ है और उन्हीं परमात्मा को समर्पित करें। और ऐसे में बड़े खूबी से बिटिया रानी ने अपने द्वार पर श्री हरि का 3 दिवस से कथा को रच करके विराम तले पहुंचे और आज अपने इष्ट मित्र सगे संबंधी रिश्तेदारों के साथ में अपनी वर्षगांठ को मना रही है। और मेरे ख्याल से बिटिया रानी अपनी 40वां वर्षगांठ क्षमा करें बर्थडे जो है उसको सेलिब्रेट करें, हालांकि मुझको किसी ने बतलाया बेटी आप 40 हो रही, क्षमा करेंगे उसको, ठीक है। तो ठीक है, आप अपना 38th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बिटिया रानी आपसे विशेष निवेदन है कि आपने अपने वर्षगांठ के लिए कुछ आयोजन किया है, आपसे करवत प्रार्थना है बेटी आप मेज पे चले जाए। और अब जैसे कि भगवान शंकर जी का विवाह माँ पार्वती के साथ में हुआ, तो माँ भगवान शंकर और पार्वती जब जब बैठते थे कैलाश पे तो साथ में बैठे, तो बिकी बेटे आप भी चले जाओ, लाला जी ने आपको पिटिया ऐसे नहीं सौंपा है। तो देवी तथा सज्जनों आज हमारे समक्ष में और वर्षगांठ के अंतर्गत में बेटी एमलिन के भाभी जी का यहाँ उपस्थिति हुआ है, जो कि नवरेया रामायण मल्ली की एक प्रचारिका है और उन्हीं के द्वारा आज की ये बर्थडे सेलिब्रेशन जो है इसको संपन्न किया जाएगा। चलो हम बहन जी से विशेष निवेदन है कि आप आ जाए और यहाँ से आगे की जो कार्य है उसको संपन्न करें, और हमारे पंडित जी जो है और यहाँ से गीत संगीत के साथ में उसको, और बेटी एमलिन के बारे में 2-4 शब्द और यहाँ पर बहन जी कहेगी, तत्पश्चात में केक कटिंग इत्यादि जो होगा, बर्थडे गीत इत्यादि होगा और कुछ पंडित जी हुद्दा ताशा इत्यादि लेकर के आए हुए हैं। भले शिव जी का यहाँ पर विवाह कथा प्रसंग हुआ, बेटी का जन्मदिवस है, तो भले ये सब साथ में होंगे। जो विशेष रूप से समारोह को प्रारंभ करने से पहले हुद्दा ताशा इत्यादि हो जाए तो उसके बाद में हम लोग गीत इत्यादि के साथ में आगे के कार्य को बढ़ाएंगे।
आप सब लोग जानते हैं कि श्रीमती विकी जी का जन्म दिवस है, तो कुछ हम बताना चाहते हैं कि हमारी जो ननद जी है वो भक्ति के कारण में हमेशा आगे रहती है। और धन्यवाद देते हैं मामा मारी मुत्तू जी को, मामी जी को, कि आपने ऐसे पुत्र जना है जो भक्ति के कारण में हमेशा आगे रहते हैं। और आज इसी के कारण हम लोग यहाँ पे 3 दिवस का जो राम कथा का श्रवण कर चुके हैं। कहते हैं कि राम कथा जो कान ना सुने वो सर्प के बिल के समान है। तो आज उन्हीं के कारण हम लोगों ने 3 दिवस का जो राम कथा है सुना और भव से पार करने की हम लोगों ने मार्ग बना लिया। तो जब जन्मदिन श्रीमती वीके जी की है तो कुछ बताते हैं उनके विषय में। ये हमारे परिवार की जो कहेंगे वो एक लाज है, वो हमारे परिवार में बहुत मान बढ़ाती है, हमारे परिवार का मान बढ़ाती है। इस परिवार में आई है और कभी हम लोगों ने इसके बारे में कुछ ऐसा नहीं सुना। उनके सास ससुर जो है, उनके परिवार जो है, उनके ससुराल से सभी कुछ अच्छा ही सुना है। और एमलिन जी जो है, उनका व्यवहार जो है हमेशा सभी के लिए अच्छा होता है, उनका जो जबान है सभी के लिए अच्छी होती है। और कहते हैं कि जिस घर की लक्ष्मी आगे बढ़ने की कोशिश करती है और विष्णु जी का साथ हो, जैसे विकी जी का साथ उनका साथ है, तो उनका व्यापार भी हमेशा आगे बढ़ता है, उनका घर परिवार हमेशा हरा भरा ही रहता है। और इसी तरह हरि दर्शन हरि मार्ग का करते रहेंगे हम लोगों को, हर साल कोशिश करेंगे। तो विकी जी और एमलिन जी का जोड़ा हम लोग यही चाहते हैं कि हमेशा इसी प्रकार बना रहे। और एमलिन जी जो है अपने सास ससुर, जिस तरह से आपने अपने ससुराल वालों के मान रखा है, अपने सास ससुर का मान रखा, अपने पति का मान रखा, इसी तरह आप हरा भरा हमेशा फली फूली रहे। तो चले हम बेहतरे जो है उनके गीत गाएंगे, फिर आगे बढ़े। आज की वर्षवार समारोह परिपूर्ण देते हुए पहले शायद कैंडल इत्यादि हो तो उसे जलाएं। ओम अग्नि ज्योतिर ज्योतिर अग्निर नमः। नमस्कार कर लो ताकि हमारे जीवन में ज्योतिर स्वरूप लक्ष्मी माँ का उजाला बनी रहे, अंधकार ना रहे। विशेष आशीर्वाद के रूप में हम सब लोग एक गीत गाएंगे। क्या तमाम उम्र तुझे जिंदगी का प्यार मिले, तमाम उम्र तुझे सच है। इनके बाद विशेष सभी
सभी को मालूम है कि कितने वर्ष की आयु में ये प्रवेश हो गए हैं, तो 30 और 8 बार नहीं, 1 बार हम लोग ताली बजाएंगे। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, 30 और 8 बार नहीं परंतु 1 बार, परंतु गिनती नंबर 3 पर मैं 1 बोलूंगा, 2, जैसे 3 वाले पर ताली बजाना और आपने हृदय से आशीर्वाद सच। ठीक, बिल्कुल हम लोग तैयार हो जाएं, 1, 2 और 3। ठीक है, अभिशेष मिष्ठान इत्यादि काटेंगे। तो बार बार दिन ये आवे, बार बार दिन ये गावे, तो जियो हजार साल है मेरी ये जो इस वर्ष का